अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि जब भी ओरिफ्लेम में आपने किसी भी मेंबर को ज्वाइन करवाना होता है अपने डाउनलाइन में, तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिफ्लेम की एप्लीकेशन ओपन करते हैं। यहाँ पर होम के ऑप्शन पे आपको एक रजिस्टर का ऑप्शन नजर आ रहा है, दिस वन, इसको आपने क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट ये एक फॉर्म ओपन होता है जो कि है रजिस्टर न्यू ब्रांड पार्टनर। यहाँ पर ये सारी डिटेल दी गई है, ये आपने सारी फिल करनी होती है। ईमेल में आपने उस मेंबर का ईमेल एंटर करना होता है। पर्सनल डिटेल में फर्स्ट नेम, जस्ट फर्स्ट नेम ही आपने एंटर करना है और उसका नेक्स्ट सर नेम आपने एंटर करना है। फिर आ जाता है सीएनआईसी नंबर। सीएनआईसी में आपने उसका अपने मेंबर का जो आईडी कार्ड पे सीएनआईसी नंबर होता है वो आपने एंटर करना होता है, और जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है आईडी कार्ड के ऊपर वो आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में डे मंथ एंड ईयर की सारी डिटेल आपने एंटर करनी है। उसके बाद हमारे पास मोबाइल नंबर आ जाता है, और मोबाइल नंबर आपने अपने मेंबर से वही लेना होता है जो उसका एक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट आपको ऑलरेडी शो हो रहा है, 92 से आपने स्टार्ट करना है, 9203 से नहीं आपने स्टार्ट करना, ओके। और नेक्स्ट आपने उसका प्रॉपर एड्रेस आपने एंटर करना है, और सिटी जब आप एंटर करेंगे तो जिप कोड उसका ऑटोमेटिकली जो है वो एंटर हो जाएगा। यहाँ पर जब आपने अदर डिटेल्स में आना है तो यहाँ पर आपने आई एम द स्पॉन्सर को जो है वो मेंशन करना है, जबकि ये नहीं मेंशन करना स्पॉन्सर इज इन माय डाउनलाइन। फर्स्ट ऑप्शन को आपने प्रेफरेंस देनी है, प्रेफरेंस नहीं बल्कि आपने क्लिक ही उसको करना है। नेक्स्ट आपने ये भी इस ऑप्शन को भी क्लिक करना है, आई अंडरटेक दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द बिलो टर्म्स एंड कंडीशंस को भी आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर सिलेक्ट फाइल में आपने जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये हमें हमारी गैलरी में ले जाता है। तो जिस मेंबर का भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आपने उसके आईडी कार्ड की पिक्चर लेनी होती है, और वो पिक्चर जो है ना वो आपने यहाँ पर सबमिट करवानी होती है। और उसके बाद जब आप सारी डिटेल एंटर कर लेते हैं तो आपने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपके मेंबर की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। थैंक यू सो मच।